नमस्कार स्टूडेंट, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ वो फ्लैश फाइल के बारे में लेकर के आया हूँ कि हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन आते हैं उसमें फ्लैश फाइल की क्या ज़रूरत होती है और फ्लैश फाइल को हम लोग कहाँ से डाउनलोड करते हैं। ये दोस्तों जो मैं वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये फ्लैश फाइल के बारे में आपको समझाने वाला हूँ कि फ्लैश फाइल क्या चीज़ है और फ्लैश फाइल का हमारे मोबाइल फ़ोन में क्या रोल रहता है। हमारे पास एक स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट मोबाइल फ़ोन में सॉफ्टवेयर संबंधित बहुत सारी चीज़ों को सीख रहे हैं। उन्होंने मुझे कमेंट भी किया है कि सर मैं आपकी वीडियो देखने की वजह से समझ लीजिए मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई है कि मैं समझ लीजिए हार्डवेयर का काम तो खूब करता था लेकिन सॉफ्टवेयर का काम में बिल्कुल जीरो था। समझ लो आपकी वजह से सर जी मैंने 10,000 रुपये का एक लैपटॉप खरीदा है सिर्फ वीडियो देख करके। उन्होंने कह रहे हैं कि सर मैंने एक 10,000 का लैपटॉप खरीदा है, लैपटॉप खरीदने के बाद एक मैंने डोंगल भी मंगवाया है, शायद उनको 3900 रुपये का डोंगल ऑनलाइन मंगाया है कि सर मुझे डोंगल मैंने खरीद लिया, डोंगल खरीदने के बाद मैंने एक मोबाइल फ़ोन को अनलॉक भी किया है, लॉक भी खोला। क्वालिकॉम सीपीयू का मोबाइल फ़ोन था MI 7 है, जिस मोबाइल फ़ोन को लॉक नहीं खुल रहा था उन्होंने मोबाइल फ़ोन को लॉक भी खोला है। लॉक खोलने के बाद कह रहे हैं सर तब मैंने आपको कॉल किया है कि सर मैं आपको चल आपको बताता हूँ, और कह रहे हैं कि सर मुझे दिल से बड़ी खुशी हुई कि सर अगर आपको कुछ पैसा चाहिए इसके बदले में कोई फीस चाहिए कोई चार्ज चाहिए तो बताओ मैं सर आपको ऑनलाइन भेज देता हूँ कि जितना आप मुझे फ्री में सिखा रहे हैं फ्री में सीखने के बाद मैं इतना काम कर पा रहा हूँ। और उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया कि सर मैं फ्री में थोड़ा सा आपको नॉलेज जरूर मुझे मिल रही मैं काम भी कर रहा हूँ लेकिन आपके पास सीखने के लिए 100% आऊँगा। उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि मैं मार्च में सीखने के लिए आपके पास आऊँगा। तो उन्होंने एक मुझसे क्वेश्चन किया कि सर मुझे थोड़ा सा फ्लैश फाइल के बारे में कम समझ में आया है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि उनको कम समझ में आए लेकिन और भी हमारे बहुत असिस्टेंट हैं जिनको फ्लैश फाइल के बारे में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। आज मैं आपको फ्लैश फाइल के बारे में एक टॉपिक में वीडियो लेकर के आया हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और बहुत आपकी मदद करेगी। सबसे पहली बात जो हम बात करते हैं कि फ्लैश फाइल क्या चीज़ है। फ्लैश फाइल जो होता है ये हमारे मोबाइल फोन का OS होता है, मोबाइल फोन का OS का अगर बोले तो ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्लैश फाइल क्या होता है, हमारे मोबाइल फोन का OS होता है। OS का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी सारे मोबाइल फोन होते हैं जो मोबाइल फोन में जो ऑपरेट होते हैं जो मोबाइल फोन चलते हैं जो मोबाइल फोन वर्किंग करते हैं तो उसके अंदर जो काम होता है जो फीचर्स यूज होते हैं तो उन्हीं सब चीज़ों को हम लोग फ्लैश फाइल बोलते हैं। फ्लैश फाइल को हम लोग फ्लैश फाइल या फर्मवेयर या स्टॉक रोम इस नाम से भी पहचानते हैं। फ्लैश फाइल को हम जैसे कहते हैं मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर या फ्लैश फाइल या फर्मवेयर या स्टॉक रोम इस नाम से भी जानते हैं कि ये हमारे मोबाइल फोन के फ्लैश फाइल इस नाम से भी हम इसको डोनेट करते हैं। अगर आपका मोबाइल फोन जब हैंग लोगो रीस्टार्ट ऐसी अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती हैं तो हम लोग क्या करते हैं फ्लैश फाइल को इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने के बाद यूज करते हैं, यूज करने के बाद उसको मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल करते हैं। जब मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करेंगे यूज करेंगे तभी हमारी फ्लैश फाइल काम करेगी। तो दोस्तों मैं बताने वाला हूँ कि फ्लैश फाइल को हम लोग कैसे डाउनलोड करते हैं, फ्लैश फाइल को डाउनलोड करने का तरीका क्या होता है और फ्लैश फाइल को कहाँ से डाउनलोड किया जाता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि फ्लैश फाइल हमारे मोबाइल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसको फर्मवेयर स्टॉक रोम इस किसी भी नाम से जानते हैं। और एक बात आपको बताना चाहते हैं कि फ्लैश फाइल को डाउनलोड करने के लिए या मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए हमको कौन कौन से ऐसी वेबसाइट होती है जिन वेबसाइट की हमको आवश्यकता रहती है जहां से हम लोग मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं यदि आप कोई भी मोबाइल फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो सबसे हमारी बहुत अच्छी टेस्टेड जो वेबसाइट होती है मोबाइल गुरु फोर एक हमारी वेबसाइट होती है जिसके माध्यम से आप मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी सॉफ्टवेयर है फ्लैश फाइल है और ड्राइवर है टूल है जो भी चीज़ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर यूज कर सकते हैं। पहली चीज़ इसको मैं अभी आपको एक एक करके प्रैक्टिकल भी बताऊँगा समझाऊँगा भी दोस्तों, पहले मैं आपको डिटेल में समझा दूँ फिर उसके बाद दूसरी हमारी जो वेबसाइट होती है रिपेयर माई मोबाइल हमारी एक वेबसाइट होती है जिस वेबसाइट के माध्यम से भी हम लोग मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो भी फ्लैश फाइल होते हैं या उनको हम बहुत अच्छी तरीके से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं।
तीसरी चीज एक होती है सैम एफडब्ल्यू, सैम एफडब्ल्यू जो हमारी वेबसाइट होती है, इसके माध्यम से हम ओनली सैमसंग की मोबाइल फोन की फाइल को हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। किसको डाउनलोड कर सकते हैं? सैमसंग की, जो सैमसंग कंपनी के अंदर जो फाइल आती है उस सैमसंग कंपनी के फाइल को हम लोग क्या करते हैं, इसके माध्यम से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। सैम एफडब्ल्यू, सैम एफडब्ल्यू करके हमारी एक वेबसाइट होती है, इस वेबसाइट के माध्यम से हम लोग सैमसंग के जो फर्मवेयर होते हैं, सैमसंग के फ्लैश फाइल होते हैं, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगली वेबसाइट होती है जीएसएम माफिया, जीएसएम माफिया होते हैं, इसके माध्यम से भी हम लोग मोबाइल फोन में फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आता है फर्मवेयर, फर्मवेयर नाम से एक वेबसाइट आती है जिसमें भी हम लोग मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर जो फ्लैश फाइल होते हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उन फाइलों को हम लोग मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए, हमने आपको बताया कि हमारी पांच ऐसी ट्रस्टेड वेबसाइट होती हैं जहां पर हम लोग मोबाइल फोन के अंदर जो भी सारे सॉफ्टवेयर होते हैं सारे सॉफ्टवेयर को हम लोग डाउनलोड करते हैं। कोई भी फाइल को डाउनलोड करने के लिए, फाइल को डाउनलोड करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। फाइल को डाउनलोड करने का तरीका, कोई भी जो फाइल आती है फाइल को डाउनलोड करने का तरीका क्या होता है, जितने भी मोबाइल फोन होते हैं यदि आप सारे मोबाइल फोन में फाइल को डाउनलोड करना चाहते हो तो फाइल को डाउनलोड करने का एक ही तरीका होता है। सबसे पहली बात, आप गूगल पे या तो जाए, गूगल पे जाने के बाद मॉडल नंबर टाइप करें स्पेस, और उसके बाद आपको लिख देना है फ्लैश फाइल। फ्लैश फाइल लिख करके सर्च करें, जब आप सर्च कर देंगे तो उसके बाद मैंने आपको इतनी सारी मैंने आपको वेबसाइट बता रखी हैं, इन किसी भी वेबसाइट से आप फाइल को आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप पर्टिकुलर आप इनको किसी लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं, किसी और भी सारी वेबसाइट है जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, हम आपको एक एक करके सारी वेबसाइटों के बारे में बताते हैं, वेबसाइटों में आगे चलते हैं। ये जितने भी सारी चीजें हैं जो हमने आपको बताया है ये सब आपके लिए हेल्पफुल है कि फ्लैश फाइल के बारे में आज मैंने आपको बताया है। तो चलिए हम लोग अपने गूगल पे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल को ओपन करेंगे। गूगल को ओपन करने के बाद जब आप गूगल पे चले जाएंगे तो गूगल पे लिखेंगे, जैसे आपको कोई भी मोबाइल फोन का डाउनलोड करना है, जैसे आपको लिखना है एम आई 5A और आगे लिखेंगे फ्लैश फाइल ऐसे। तो देखिए एम आई 5A, देखो यहाँ ऑटोमेटिक आ गया एम आई 5A फ्लैश फाइल जैसा माफिया, फ्लैश फाइल लिख करके हम सर्च करेंगे तो ये हमारे पास अलग अलग वेबसाइटें खुल जाती हैं। सबसे पहली बात, मैं आपको पहली वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे repairmobile.com, यहाँ पर एम आई 5A फ्लैश फाइल इसके बारे में बता रहा है। दूसरा हमारा जीएसएम माफिया खुल गया, Xiaomi स्टॉक क्रोम, ऑफिशियल क्रोम, फर्मवेयर फाइल, ये फर्मवेयर फाइल करके हमारी वेबसाइट ओपन हो गई, लेकिन हमारी अभी मोबाइल गुरु 4 करके वेबसाइट हमारी ओपन नहीं हुई। तो ये बहुत सारी कंपनियां हैं, जो कंपनियां क्या काम करती हैं, गूगल को ऑलरेडी पैसे पे करती हैं। जब गूगल को ऑलरेडी पैसा पे करती हैं तो गूगल क्या काम करता है, उनकी लिस्टिंग ऊपर रखती है और सब चीज़ें सॉफ्टवेयर को आपको अच्छे से दिखाती हैं, क्योंकि आप इनके वेबसाइट से जब सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं तो इनमें बहुत सारा ऐड आता है, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उनको लोग यूज करते हैं, यूज करने के बाद उसमें उनको पैसा मिलता है या उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमारा जो रिपेयर माई मोबाइल है इस साइट में हम जाएंगे, यहाँ पर फाइल क्लिक करेंगे। जब फाइल पे आप क्लिक करेंगे तो फाइल क्लिक करने के बाद इसमें कई अलग अलग तरह के वर्जन खुल जाएंगे। फाइल के साथ में टूल फ्री में डाउनलोड होता है, आप यहाँ पर जाएंगे, किसी भी फाइल को आप ओपन करेंगे। जैसे फाइल ओपन करेंगे तो बोलेगा कि 1.8 GB का फाइल है,
कितना फाइल है, 1.8 GB का फाइल है। इस 1.8 GB के फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे पीछे चलते हैं कि हमारी जैसे दूसरी वेबसाइट आती है, जैसे आप मोबाइल गुरु फोर जैसे आप मोबाइल गुरु फोर पर क्लिक करते हैं, तो मोबाइल गुरु फोर पर क्लिक करने के बाद मोबाइल गुरु फोर में जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी ऐसे वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद इसमें सारा ऑप्शन से सॉफ्टवेयर संबंधित ही सारी चीज़ें खुलती हैं। अगर आप इसमें जाएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें और अच्छे से डिटेल से समझाता हूँ, हाईलाइट करके आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात इसमें खुलता है फ्लैश फाइल, जहाँ से आप मोबाइल फ़ोन के सारे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा होता है बॉक्स सेटअप, उसे होता है फ्लैश टूल, उसके बाद टूल, USB ड्राइवर, कॉम्बिनेशन फाइल, वीवो मॉडल नेम, QCN फाइल, डंप फाइल, सॉल्यूशन, अनलॉक फाइल। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं जो हमको इसके अंदर प्रोवाइड हो जाती हैं। अब हमको कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए, फ्लैश फाइल चाहिए, तो हम लोग यहाँ से जा करके डाउनलोड कर लेंगे। इसमें सारे डोंगल हैं, टूल्स हैं, बॉक्स सेटअप हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब इसके अंदर खुल जाता है। तो चलिए हम लोग पहले बात करते हैं फ्लैश फाइल के बारे में। तो फ्लैश फाइल पर हमने क्लिक किया, जैसे फ्लैश फाइल पर क्लिक किया तो ये हमारा प्रचार खुल गया, तो हम इसको बंद कर देंगे। यही ऐड का ही उनको पैसा मिलता है। अब देखिए जब यहाँ पर देखेंगे MI, सैमसंग, रियलमी, ओप्पो, वीवो, आईफोन, लिनेवो, जो भी मॉडल का फाइल हम लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से जा करके फाइल को हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। तो जैसे मुझे सैमसंग के मोबाइल फ़ोन की फाइल चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, सैमसंग पे क्लिक करेंगे। MI की चाहिए तो हम लोग MI पे क्लिक करेंगे। जैसे MI पे क्लिक करेंगे तो MI पे क्लिक करने के बाद ये MI के जितने भी सारे मॉडल हैं सारे मॉडल खुल गए। हमने MI 5A की डाउनलोड करना है तो हम लोग 5A में जाएंगे। यहाँ देखेंगे कहीं 5A का ऑप्शन आ रहा है, 5A का मतलब होता है Redmi 5A। ये देखिए ये आ गया Redmi 5A, ये आ गया। इस पर आप डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे तो ये कहेगा ये अलग अलग वर्जन की फाइल है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे वर्जन पर क्लिक कर देंगे तो वर्जन क्लिक करने के बाद ये फाइल हमारी कह रहा है कि डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई, डाउनलोडिंग फाइल 1.8 GB। अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो ये डिटेल खुल जाएगा कि फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गए, 4 मिनट का समय लगेगा, फाइल तुम्हारी डाउनलोड हो जाएगी। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमको फाइल को डाउनलोड नहीं करना। अगर फाइल डाउनलोड कर लेंगे तो हमारा स्टोरेज फुल हो जाएगा, तो उसको भी हमको ध्यान रखना है। तो ये जो मैंने आपको बताया कि मोबाइल गुरु फोर से कैसे फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे टूल करने, जो भी सारा कुछ करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको अगली वेबसाइट के बारे में बताता हूं, Samsung SAM FW। ये हमारे SAM FW करके ऐसा लोगो बन के आ जाएगा, इसमें आप क्लिक करेंगे। SAM FW करके है, इसके अंदर जितने भी सारे सैमसंग के मोबाइल फ़ोन आते हैं सारे सैमसंग के मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर हमको मिल जाते हैं और हम लोग इसमें फ्लैश कर सकते हैं। सबसे पहली बात यहीं पर ओपन और इंटरफेस ऐसा ओपन हो जाता है। इंटरफेस ओपन होने के बाद आप यहां पर जो भी सारी फाइलें हैं सारी फाइलों को हम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कह रहा है कि इसके अंदर 2271 मॉडल है, 2271 मॉडल की फाइल पड़ी हुई है, 18.16 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं, इतनी सारी फर्मवेयर हैं ऑलरेडी, 372 TB का टोटल स्पेस है। ये जो सैमसंग FW साइड है इस साइड के अंदर 372 TB का अपना पर्सनल स्टोरेज है, जितना फाइल इसके अंदर भरा है जो आप लोग डाउनलोड करते हैं। जितना भी सारा आप डाउनलोड करते हैं, जो भी सारा आप लोडिंग करते हैं तो वो इनको पैसा मिलता है, तो कंपनियों को बेनिफिट होता है। तो इनमें ये जो प्रचार है देख रहे हैं आप, दुबई में घूमने जाने कहाँ जाएंगे, ये सब दुनिया भर का जो खुल रहा है तो सब पैसा कहाँ से, तो सब इसी से जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एंटर करेंगे। अब जैसे मान लो हमको कोई फाइल डाउनलोड करना है, फाइल डाउनलोड करने का मतलब मेरे पास कोई मोबाइल फ़ोन आया, सैमसंग का मोबाइल फ़ोन आता है। सैमसंग का मोबाइल फ़ोन अगर मॉडल अगर आप बोलेंगे, यहाँ पर हमने टाइप किया सैमसंग, इस तरीके से लिख जाएगा, या SAM J 200, यहाँ पर आपको मॉडल जो है वो आपको प्रॉपर टाइप करना है। अगर प्रॉपर आप मॉडल नहीं टाइप करेंगे
तो फिर प्रॉब्लम आएगी कि वो अच्छी तरीके से खोल नहीं पाएगा। आज जैसे लिखा है सैमसंग, तो इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा, तो हम लोगों ने टाइप किया सैमसंग और पीछे करते हैं थोड़ा सा एस एम के। देखिए इतने सारे मॉडल है A20 20S, जैसे मैं कोई भी एग्जांपल फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ। ये जो मोबाइल फ़ोन के पीछे जो सीरियल नंबर लिखा होता है, ये आपको टाइप करना होता है। जैसे टाइप करते हैं तो समझ जाता है कि हमको कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है, तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर इस चीज़ को देखना चाहते हैं, मेरे पास सैमसंग का मोबाइल फ़ोन है, मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल दिखाता भी हूँ कि जैसे मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन पर स्क्रीन पर आए, स्क्रीन पर आने के बाद हम थोड़ा सा लाइट में देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर गौर से इसमें देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, इसका मिट गया है। या आपके पास कोई मोबाइल फोन आता है तो आप अबाउट में जा करके भी चेक कर सकते हैं। आप इसके लिए सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग कहाँ गया। अब ऐसा ही होता है ना कि जब कोई ज़रूरत पे होता है तो वो नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि छुप के बैठ जाता है, कहता है ढूंढो 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 हमें। अब हम लोग अबाउट फ़ोन में जाएंगे। जब अबाउट फ़ोन में जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मॉडल लिखा है, मॉडल नेम लिखा है। ये मॉडल आपको इसमें टाइप करना होता है, वैसे पीछे डब्बे पर भी लिखा होता है, बॉडी पर भी लिखा होता है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये अब हम लोग क्या करेंगे, इस मॉडल को इसमें टाइप करेंगे। जैसे मॉडल को टाइप करेंगे तो फाइल ढूंढ के आपको लाएगा। इससे सैमसंग की जितनी भी सारी फाइलें होती हैं मिल जाती हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप करेंगे, इसका मॉडल नंबर है सैम, इसको कैपिटल में किया SM, उसके बाद इसके में डैश का ऑप्शन दिया हुआ है। आप डैश की बात करेंगे तो देखिए ये डैश का ऑप्शन आ गया। डैश के बाद फिर हम लोग M31 नहीं लिस्ट मिलेगा, 317 क्या लिखा हुआ है, M317F ऑब्लिक DSN स्पेस, फिर हम लोग लगाएंगे ऑब्लिक स्पेस DSN, ये इसका वर्जन लिखा था। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसा वर्जन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे या थोड़ा सा इसको बैक करेंगे। ये आ रहा है M31S, इस फाइल को हम लोग सिलेक्ट करेंगे। जैसे इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो आप नीचे आएंगे, तो नीचे यहाँ पर लिख जाता है कि होम पे कि M31 317F फाइल। देखिए मोबाइल फ़ोन का फोटो भी बन जाता है, क्या बन जाता है, मोबाइल फ़ोन का फ़ोटो भी बन जाता है। ये देखिए मोबाइल फ़ोन का आपका फ़ोटो ऐसा है, ऐसा दिखेगा। ये 2020 में फ़ोन रिलीज हुआ था अगस्त में, और 203 ग्राम का मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड 10.1 है, 128 GB का स्टोरेज है। सारी बातें इसमें लिख जाती हैं। सारी बातें लिखने के बाद फिर आप नीचे आ जाएंगे, तो नीचे कौन सी फ़ाइल चाहिए, कहाँ की फ़ाइल चाहिए, ये सब कुछ लिख करके आ जाता है। जैसे M31, तो हम जो भी फाइल डाउनलोड करेंगे, तो फाइल डाउनलोड करने के बाद हम कोशिश करते हैं कि हम इसमें इंडियन वर्जन की फाइल को हम लोग क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं। ये देखिए इंडिया में आप जब सेलेक्ट करेंगे, जैसे इंडिया में सेलेक्ट करेंगे तो इंडियन फर्मवेयर हमारी ओपन हो जाएंगी, ऐड खुल जाता है, तो ऐड को हम लोग बंद कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ये हमारी फाइल आ गई, ये देखिए ये हमारी इंडियन फाइलें हैं। इन फाइलों को हम लोग क्या करेंगे, फुल फाइल दिया है, इन फाइलों को हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, फुल फाइल है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप फाइल को क्लिक करेंगे तो फाइल क्लिक होने के बाद ये फाइल आपके डाउनलोड होने के लिए क्रिएट हो जाएगी, लिंक आपका ओपन हो जाएगा। जैसे लिंक ओपन हो जाएगा तो फाइल को आप क्या करेंगे, आसानी के साथ में डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद उसको मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर देंगे। जैसे आप मोबाइल फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर देंगे,
और फाइल आपका काम हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी सारे मोबाइल फ़ोन आते हैं तो सारे मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर को हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है कि सैमसंग के मोबाइल फ़ोन आते हैं या कोई और भी मोबाइल फ़ोन आते हैं उसमें कैसे फाइल को डाउनलोड कर